Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is Fashion with Chetna and आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट जो कि एंटी डैंड्रफ को कंट्रोल करेंगे प्लस आपकी हेयर ग्रोथ और आपकी जो हेयर शाइनिंग है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे. और ये जो प्रोडक्ट जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो 100% ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके हेयर को डिटैंगल करेंगे और आपको अगर जो स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है, डेंड्रफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो सारी इसमें सॉल्व हो जाएगी. और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो इसमें कोई भी केमिकल आपको नहीं मिलेंगे. बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं. फ्रेग्रेंस थोड़ी सी इनकी तेज है बट स्टिल लगाने के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे. सो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, लेट गेट स्टार्टेड. पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है ये नाना का हेयर कंडीशनर प्रोडक्ट. सो ये इस टाइप के कार्डबोर्ड में आता है, 200 ml का आपको मिलता है और इसका जो प्राइस है का आपको मिलता है 710 rupees का. थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है बट आपको इस पे ऑफर मिलते रहते हैं और ये टोटली केमिकल फ्री है. आपको इस प्रोडक्ट को जो है वो कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है. अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं वो मिलता है एप्पल सीडर विनेगर मिलता है, लेमन ग्रास मिलता है, हिबिकस मिलता है, एसेंशियल ऑयल ऑफ सीडर वुड एंड रोजमरी, इन सारे प्रोडक्ट से ही मिलकर बना है. और इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको एक डेमो शेयर करूंगी. सबसे पहले इसके पैकेजिंग की बात कर लेते हैं. तो गाइज इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट आती है, लग्जीरियस है, बहुत क्यूट कांच की बॉटल में आता है. ये आपको स्प्रे की तरह, परफ्यूम की तरह मिलता है. इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है. अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं जैसे कि मेरे शॉर्ट हेयर हैं तो मैं शैम्पू करने के बाद इसको इस टाइप से स्प्रे कर सकती हूँ एंड देन 2 to 3 minutes के बाद अपनी हेयर को वॉश कर सकती हूँ. मैं आप लोगों के साथ एक डेमो भी शेयर करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा. इन केस आपके लॉन्ग हेयर हैं तो आपको क्या करना है कि 2 to 3 spoons आपको पता चल जाएगा, उतना आपको एक हाफ मग लेना है, उसमें 2 to 3 spoons आपको इस कंडीशनर के ऐड करने, देन अपने हेयर पे इसको रूट से लेके एंड तक इस कंडीशनर को अप्लाई करना है. अगेन 2 to 3 minutes बाद आपको जो है हेयर को वॉश कर लेना है. तो जब आप आपके हेयर को वॉश करोगे या जब आपके हेयर ड्राई होंगे तो आपको बिना डिटैंगल मिलेंगे, कोई उलझन नहीं मिलेगी, शाइन मिलेंगे क्योंकि ये कंडीशनर है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा आपके बालों को शाइन करने के लिए. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है और उसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आपको डायरेक्टली स्प्रे करना है. मैंने आज तक ऐसे कोई कंडीशनर नहीं देखे हैं जो आपको स्प्रे की फॉर्म में मिलते हैं. बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो आपको नॉर्मल आपको हैंड पे लेके फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशनर है जो आपको स्प्रे की फॉर्म में मिलता है. सेकंड इसका अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा है कि इसको रूट से लेके एंड तक अप्लाई करना है. मतलब किसी भी ब्रांड की कंपनी का अगर कंडीशनर बना होता तो वो आपको नहीं बोलता कि आपको रूट से लेके एंड तक इस कंडीशनर को अप्लाई करना है, बट ये ब्रांड बोलता है कि आपको इसको कंडीशनर को रूट से लेके एंड तक अप्लाई करना है बिकॉज दिस इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. सो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी. एंड इसको जो है बहुत सारे हर्ब्स से लेके बनाया जाता है, कोल्ड प्रेस से लेके इन प्रोडक्ट को बनाया जाता है. कोल्ड प्रेस का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्टली फार्म से प्रोडक्ट आते हैं उनको कोल्ड प्रेस से इसको बनाते हैं. इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता है, डायरेक्टली फार्म से ये लोग कॉन्टैक्ट रखते हैं, ये जो ब्रांड है वो कॉन्टैक्ट रखती है एंड अपने प्रोडक्ट जो है कोल्ड प्रेस करके बनाते हैं. सो इसमें कोई भी पैराबिन नहीं है, सल्फेट फ्री है, टोटली ये जो प्रोडक्ट हैं वो एकदम नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं. आपकी हेयर पे वर्क करेंगे, आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करेंगे. डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिएगा. आपको मैं एक डेमो शेयर कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस कंडीशनर को कैसे यूज़ करना है. सबसे पहले आप किसी भी पैराबिन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए. उसके बाद में इस स्प्रे को, जो कंडीशनर स्प्रे है उसको अपने हेयर में स्प्रे कर लीजिए और स्प्रे करने के अच्छे से स्प्रे कर लीजिए रूट और एंड तक. अच्छे से स्प्रे करने के बाद आपको फिंगर जो होती है, टिप ऑफ फिंगर होती है, वहाँ से आपको रूट से लेके एंड तक अच्छे से मसाज करनी है 2 to 3 minutes. और 2 to 3 minutes के बाद आपको अपने हेयर जो है वॉश कर लेने हैं. अनदर प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है ये स्नाना का ही केमिकल फ्री प्रोडक्ट है. ये भी एकदम नेचुरल तरीके से बनाया गया है. ये सारे प्रोडक्ट जो है वो मेड इन इंडिया है, 100% ऑर्गेनिक है. प्रोडक्ट है वो नेचुरल अरोमा से मिलकर बने हैं. सो फ्रेग्रेंस थोड़ी आपको नेचुरल प्रोडक्ट की जैसी आती है ना, उस टाइप की फ्रेग्रेंस मिलेगी. कुछ केमिकल्स मिलके अगर बना होता तो उसकी फ्रेग्रेंस अलग ही होती है. सो ये नेचुरल फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी.
प्लस इसके इंग्रेडिएंट्स जो ये डैंड्रफ वाला हेयर ऑयल है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये मिलकर बना है कोकोनट ऑयल से, ऑलिव ऑयल से और ऑलमंड्स ऑयल से, जोजोबा ऑयल से, बाबची ऑयल से एंड कैस्टर ऑयल से मिलकर बना है। सो ये बहुत ही अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, अगर आप इस हेयर ऑयल को नाइट में अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको पाम में थोड़ा सा हेयर ऑयल लेना है और फिंगर की हेल्प से रूट में मसाज करते हुए आपको एंड तक अप्लाई करना है, देन टाई अप करके अपने हेयर को और एक नाइट में आपको ले लेना है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको हेयर ऑयल थोड़े कम टाइम के लिए लगाना पसंद है तो आपको 2-3 आवर्स के लिए अपने हेयर में अप्लाई करके छोड़ सकते हो। देन जो सहाना का ही जो शैम्पू आता है, नाना का शैम्पू आता है या फिर जो पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू आता है उससे आप अपने हेयर ऑयल को रिमूव कर सकते हो, यानी कि शैम्पू कर सकते हो। रिजल्ट जो है वो 1 मंथ में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको इसकी पैकेजिंग बता देती हूँ। इसकी पैकेजिंग भी इस टाइप से बहुत ही क्यूट बॉटल में आती है, ग्लास बॉटल है। अगेन इस टाइप से इसका कैप आता है और ये भी आपको इस टाइप से पाम में लेके लगाना है। सो इसमें जो ये एप्लीकेटर आता है इसके साथ में जो अप्लाई करने का, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी ग्लास बॉटल में आता है। यूजुअली क्या आता है, जितने भी हेयर ऑयल होते हैं वो प्लास्टिक बॉटल में आता है, बट इन्होंने एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये जो है ब्रांड वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, नेचुरल अरोमा जैसी आती है। सो बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, आप जो है डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ऐसे पर्सन हो जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो डेफिनेटली ये रिमूव करेगा, बट आप सोचो कि 10 दिन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाए, वैसे भी 10 डेज के अंदर 3-4 टाइम ही हेयर ऑयलिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप 1 मंथ तक इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो। गाइस, डैंड्रफ हेयर ऑयल को अप्लाई करने के लिए आपको पाम में थोड़ा सा ऑयल लेना है। जैसे आप नॉर्मल ऑयल अप्लाई करते हो वैसे रूट से लेके एंड तक आपको मसाज करते हुए हेयर ऑयल को अप्लाई करना है। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल नेचुरल ऑरोमा जैसी आती है जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा। इस टाइप से आपको नैप ले लेनी है अप्लाई करने के बाद। को डेमो आपने देख ही लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनको कैसे यूज करना है। होपफुली आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, अगर हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।